अब जो उसने मेरी बेटी के साथ किया है ना, he will have to pay a price for this. मैं एक बार अपनी बच्ची खो चुकी हूँ, दोबारा I can't let a man do this to my daughter. और ये मेरा अंबिका देवी सिंघानिया का वादा है. संजू बाजवा को तो मैं, that man is gonna rot in jail. जेल से निकल नहीं पाएगा वो. बट मैम, इल्जाम को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा. बिना प्रूफ के अंबिका देवी सिंघानिया doesn't talk. ऐसा प्रूफ है मेरे पास कि कोर्ट में एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो संजू बाजवा को बेगुनाह साबित कर पाए. मैं छोड़ूंगी नहीं उसे. You look gorgeous. Thank you so much, पार्वती. और थैंक यू आने के लिए. मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है और एक दोस्त अपनी दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी में ना, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो आना ही था. So sweet of you, पार्वती. पता है पार्वती कितनी बिजी है, कितना सारा काम है इसे ऑफिस में, और प्रोजेक्ट परिवर्तन इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. फिर भी पता नहीं कैसे मेरे लिए टाइम मैनेज कर रही है. देखो कल मेरे साथ शॉपिंग पे भी आई और आज सबसे पहले आ गई. थैंक यू. नीति मम्मी, बहुत सुंदर लग रही पुत्र. थैंक यू मम्मी. सत श्री अकाल बहन जी. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल बहन जी. सत श्री अकाल. नीति, संजू कहाँ है पुत्र? कहीं दिखाई नहीं दे रहा. यही कहीं होगा अपने किसी दोस्त के साथ. यही मौका है, परी नू संजू के पास भेज देती हूँ ताकि दोनों आपस में कल कर सके. रुको देख कर आती हूँ उसे. आप नीति पुत्र तो ऐसे रहे, मैं उसे लेकर आती हूँ. ठीक है. परमेंद्र आंटी जी, क्या हुआ? आप ठीक है? पैर में चमक आ गई है. आप यहाँ पे बैठ जाइए. पुत्र तू संजू नू बुला कर लाएगी? बट आंटी जी, मैं ले आती हूँ जीजू को. पुत्र तू जाएगी तो फिर मेहमानों को कौन देखेगा? तो यहीं रह, ये लेकर आएगी. पुत्र अगर तेनू कोई प्रॉब्लम है तो कोई गल नहीं पुत्र, मैं लेकर आती. नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों प्रॉब्लम होगी? आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ. बैठिए. थैंक यू पुत्र. राजीव यहाँ पे नहीं है, कहाँ चले गए? उधर देखती हूँ. क्या हुआ परी? बिना देखे कैसे समझ गए कि मैं यहाँ हूँ? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे पता है कि तुम आज मुझसे प्यार करती हो, तभी तो मेरे कदमों की आहट सुन के तुम्हारी सांसें और भी गहरी हो गई. मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ मैं हूँ. हर वक्त बस तुम मेरे बारे में सोचती हो. आई नो परी, परी मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, किसी और को देखने का दिल ही नहीं हुआ. मेरी नजरें आज भी बस तुम पे अटकी हुई हैं. मोंटी तुम कब आए? थोड़ी देर पहले ही पहुंचा मैं. थोड़ी देर पहले तुम आ भी गए और मुझे अब पता चल रहा है. बदल गया तुम लुधियाना जाके? मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ. ठीक है, बदल तो तू गई है. तुझे पहले छिपके से डर लगता था ना, अब क्या हुआ? हा? अब नहीं लगता मुझे डर. चल झूठी. अच्छा किया तुम आ गए. मुझे भी तुमसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे बबली, तुझे क्या लगता है कि ये पार्वती सिंघानिया है कौन? मुझे नहीं लगता कि ये परी भाभी है. शायद मैंने जैसे ही उन्हें देखा ना, मैं तो शॉक ही रह गया कि ये कौन है. लो संजू भी आ गया.
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज की शाम मेरी सबसे अच्छी दोस्त नीति और मेरे बिजनेस पार्टनर यानी मिस्टर संजू बाजवा के नाम। आज से इन दोनों की लाइफ की नई शुरुआत होने जा रही है, सो आई विश यू बोथ अ हैप्पी लाइफ अहेड। और हाँ, मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ये तो सच में पर क्यों आया है यहाँ? लेट्स सी। इसे गायब कहाँ हो गई नीति? सब ठीक तो है ना? देखना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? अरे रुको, स्वागत की करो तैयारी, वरना आज की रात पड़ेगी बहुत भारी। किसने भेजे? कौन है? हम सबकी जिंदगी का बवाल। राकेश। राकेश आ रहा है वो हम सबकी जिंदगियों में फिर से तूफान मचाने। आ क्यों रहा है? क्या चाहिए उसे अब? और आ कब रहा है? ये नीति कहाँ चली गई है? नीति पुत्र, क्या बात है? ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी तुम? मामी जी, राकेश आ रहा है। क्या कह रही तुम? राकेश वो क्या करने आ रहा है? पता नहीं उसका यहाँ क्या काम है। अरे वो तो बहुत बड़ा नेता बन गया है ना, बहुत ऊंचे लोगों में उसका उठना बैठना है ना। अरे वो सब ठीक है, लेकिन वो आ रहा है गुरिंदर। अरे वही तो कह रही हो कि वो यहाँ क्या करने आ रहा है, उसका यहाँ कोई काम नहीं। नीति पुत्र तो उसे फोन लगा और अभी बोल कहते ना आए, क्योंकि अगर वो गलती से भी आ गया ना तो पता नहीं कौन सा नया सियापा खड़ा कर देगा। मम्मी जी उसे रोकने का कोई फायदा नहीं है, रुकने वाला तो है नहीं वो। उसने कहा है वो आएगा तो जरूर आएगा, पर सवाल ये है कि वो आ क्यों रहा है। दिल्ली में अच्छा खासा काम तो चल रहा है उसका, और चंडीगढ़ में तो अब उसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है नीति। क्या? ये तू भी अच्छे से जानती है कि उसे क्या चाहिए। समझ गई।